आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको विकास में लगना चाहिए, यह काम शोभा नहीं देता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद करते हुए, डॉक्टर लोहिया की याद करते हुए, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की याद करते हुए, भोला पासवान शास्त्री की याद करते हुए, उन्होंने कहा सदियों के सांस्कृतिक संस्कार से जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको प्रेमचंद जी ने कभी गोदान में गोबर और धनिया के रूप में रखांजित किया, उसके भीतर जो स्वाभिमान है, उसको जब तक हम जागृत नहीं करेंगे तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिहार का विकास का मतलब चंद लोगों का विकास नहीं, जो डोम है, हल्दोर है, गुर्जर है, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनका जब तक विकास नहीं होगा तो लालू प्रसाद यादव जो गरीब का बेटा है, मुख्यमंत्री बनने का उसका कोई औचित्य नहीं है। हमें प्रसन्नता है श्री सीताराम मांझी जी उस धारा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ठीक हमारे अजीत भाई कह रहे थे, जब सीताराम मांझी का पेंशन गरीबों में हो रहा था तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगने लगा, भय होने लगा कि शायद यही व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति गरीब का नेता बन जाएगा और तुरंत इनको अपमानित करने का काम किया। साथियों, यह अपमानित ही करने का काम नहीं किया बल्कि धोखा देने का काम किया। नीतीश कुमार जी धोखा देने का ही काम नहीं करते हैं बल्कि विश्वासघाती, इस तरह का विश्वासघाती व्यक्ति दुनिया में नहीं हो सकता है। जब आप महागठबंधन बना, महागठबंधन का मैंडेट प्राप्त हुआ और लालू प्रसाद यादव कहा करते थे भले ही हमारे सदस्यों की संख्या कम होगी, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जब आप हमारे नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी प्रसाद यादव का भाषण जब होने लगा, अपने विभाग को ठीक से संभालने जलाने लगा, इनकी स्वीकारता बढ़ने लगी तो नीतीश कुमार जी को भय होने लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगला मुख्यमंत्री होगा। नहीं, तो उस समय भी और एक सृजन घोटाला आया, नीतीश कुमार को डर लगने लगा कि सृजन घोटाला में हम जेल जाएंगे तो नतमस्तक हो गए और बीजेपी आरएसएस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण करने का काम किया। साथियों, आज इस मंच पर बैठे हुए हैं हमारे सीताराम मांझी जी और इस मंच पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी बैठे हुए हैं। जब तेजस्वी प्रसाद यादव भी चल चुके थे यहाँ के लिए तो लालू प्रसाद यादव जी, जिनको एक साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया गया है, उनका फोन आया कि जाओ वहाँ पर और इस गठबंधन को, गरीबों की एकता को मजबूत करो और आरएसएस भाजपा को न सिर्फ बिहार से बल्कि हिंदुस्तान से गठबंधन करो। और यह जो विश्वासघाती, चाहे वह नीतीश कुमार हो, गरीब विरोधी जो नरेंद्र मोदी है, उसको हटाना ही इस गरीब विषम महासम्मेलन, जो विशाल महासम्मेलन इस धरती पर गांधी मैदान में हो रहा है, उसका औचित्य साबित होगा। तो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ सीताराम मांझी को धन्यवाद देते हुए आइए हम आप सभी साथियों से आह्वान करते हैं, आइए सीताराम मांझी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में गांव, गरीब, मजदूर, नौजवानों का जो गठजोड़ बनता जा रहा है आरएसएस भाजपा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, आप सभी लोग संकल्प लेकर करके इस गठबंधन को, इस एकजुटता को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंदुस्तान, अवाम मोर्चा सेक्युलर। धन्यवाद, धन्यवाद।